माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करती हूँ कि हॉस्पिटल में जिस वार्ड में कोरोना संक्रमित लोगों को रखा जाता है एवं उनका इलाज किया जाता है, उस जगह में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए और जहाँ उनकी मृत्यु होती है जिस वार्ड में, उस वार्ड से लेकर बाहर आते तक के रास्ते में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए और उस सीसीटीवी कैमरे का लाइव प्रसारण हॉस्पिटल के बाहर होना चाहिए। एक भारतीय नागरिक के रूप में आपसे अपना अधिकार मांग रहे हैं और यह करना बहुत जरूरी हो चुका है, क्योंकि जनता को गुमराह तो नहीं किया जा रहा है, यह देखना हमारा अधिकार है। अगर सहमत हो तो इसे आगे भेजें, लोकतंत्र में विश्वास है तो इसे आगे शेयर करें। अब दिमाग लगाकर जरा यह सोचिए कि अगर कोरोना संक्रमित बीमारी है तो परिंदे और जानवर को अभी तक कैसे नहीं हुआ? ये कैसे बीमारी जिसमें सरकारी लोग और हीरो ठीक हो जाते हैं और आम जनता मर जाती है? कोई भी घर में या रोड पर तड़प कर नहीं मरता, हॉस्पिटल में ही क्यों मौत आती है? ये कैसे बीमारी है? कोई आज पॉजिटिव है तो कल बिना इलाज कराए नेगेटिव हो जाता है। कोरोना संक्रमित बीमारी है जो जलसे में, रैली में और लाखों के प्रोटेस्ट में नहीं जाता, लेकिन गरीब नॉर्मल खांसी चेक कराने जाए तो 5 दिन बाद लाश बनकर आता है। गजब का कोरोना वायरस है जिसकी कोई दवा नहीं बनी, फिर भी लोग 99% ठीक हो रहे हैं। यह कौन सी जादुई बीमारी है जिसके आने से सब बीमारी खत्म हो गई और अब जो भी मर रहा है कोरोना से ही मर रहा है? जरा सोचिए, साबुन और सैनिटाइजर से कोरोना मर जाता है तो इसको मारने की दवाई क्यों नहीं बनाई? यह कैसा कोरोना है? हॉस्पिटल में गरीब आदमी के जिस्म का महंगा पार्ट निकाल कर लाश को ताबूत में छुपा कर खोल कर नहीं देखने का हुक्म देकर बॉडी दी जाती है। है कोई जवाब? अगर है तो जरूर देना, अगर नहीं है तो सोचना कि कोरोना के आड़ में क्या चल रहा है। कुछ हॉस्पिटल से न्यूज आ रही है कि सुबह मरीज को भर्ती किया जाता है और शाम को न्यूज मिलती है कि मरीज के कोरोना से मौत हो गई। क्या सुबह से शाम तक कोरोना की रिपोर्ट भी आ गई और शाम को कोरोना से डेथ भी हो गई और लाश का अंतिम संस्कार भी हो गया? इनके हिसाब से तो कोरोना की कोई स्टेज नहीं होती। जो पहले पॉजिटिव से नेगेटिव हुए वो कैसे ठीक हुए? 15 से 20 दिन में तो कनिका कपूर भी ठीक होकर घर चली गई। आखिर ऐसा कौन सा इलाज था जो कनिका की 5वीं रिपोर्ट पॉजिटिव आई और 6ठी रिपोर्ट में नेगेटिव आई और गरीबों की सुबह रिपोर्ट पॉजिटिव आती है और शाम को उनकी डेथ भी हो जाती है? क्या गरीब और मध्यम वर्ग की सिर्फ एक ही रिपोर्ट आती है, पॉजिटिव या नेगेटिव या डेथ? हैरानी की बात है कि कोई खांसी जुकाम बुखार और कोई लक्षण नहीं, फिर भी रिपोर्ट पॉजिटिव। कहीं कोई किडनी स्कैम तो नहीं हो रहा है? किडनी क्यों, आँख, लीवर, ब्लड, प्लाज्मा और भी बहुत पार्ट है। क्या कोई बहुत बड़ा झोल हो रहा है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यक्ति के पार्ट्स की कीमत करोड़ों रुपए है। क्या कोरोना की आड़ में कोई षड्यंत्र चल रहा है? क्योंकि मृत देह को घर वालों को नहीं देते और ना ही कोरोना के नाम से घर वाले बॉडी लेते हैं और बंद लिफाफे में क्या हुआ है बॉडी के साथ किसे पता? सबको मिलकर ऐसा कदम उठाना होगा जिससे कम से कम ऐसे की निगरानी में जांच हो ताकि हकीकत सामने आए। इस मैसेज को अपने तक मत रखिए, आगे भी फॉरवर्ड करते रहिए।